वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो गाइस, कैसे हो आप सभी? आशा करते हो आप सभी अच्छे होंगे और खुश होंगे। सो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हो कि मेरे रूम में सब कुछ बहुत ही ज्यादा अस्त व्यस्त चल रहा है। ये सब कपड़े अभी फैले हुए हैं क्योंकि आज मैंने जो मॉर्निंग में वॉश किया था, बिकॉज आज गुड फ्राइडे है तो गुड फ्राइडे का हॉलीडे था स्कूल में। सो जो भी आज कपड़े वगैरह मैंने वॉश किए थे वैसे ही रखे हुए हैं। और डुगु दिशु यहाँ पर ही बैठ के कारपेट में पढ़ाई कर रहे थे। अब थोड़ा सा ये लोग उठ के दिशु को नींद आ रही थी तो मैंने कहा तुम एक काम करो, डिनर कर लो और फिर सो जाओ। हालांकि डिनर मेरा बना नहीं है, बट दोपहर में मैंने पूड़ियाँ बनाई थी तो वो पूड़ियाँ रखी हुई हैं। तो मैंने कहा कि तुम एक काम करो, इसको खा के और सो जाओ, अदरवाइज अगर वो सो जाती है ना, तो छोटे बच्चों का आप लोग जानते ही हैं कि अगर वो सो जाती है तो फिर उनको नींद से उठा के खाना खिलाना बहुत ही डिप्लोमेटिक वर्क होता है। दैट्स वाई मैंने कहा कि तुम जो भी है उसको खा लो और सो जाओ। सो अभी आप देख सकते हो मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं काफी सारी ग्रीन वेजिटेबल्स। और ये आप देख सकते हो सैलेड के लिए कोकुम्बर आया है, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है ना, इसका बूंदी का रायता हो या खीरे का रायता हो, लौकी का रायता हो तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अब हमारे यहाँ तो ऐसा होगा कि बिना इसके तो कोई भी खाना नहीं खा सकता, उनको हर दिन में कुछ हेल्दी चाहिए होगा। और अब मेरी किचन भी बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त है। अब मैं अब मैंने स्टार्ट किया है। सो मैंने ये देखिए आटा निकाल के रख लिया है, ये आटा मैं निकाल के रख दिया। अब मैं आटा गूंदने वाली हूँ और बच्चे बाहर खेल रहे हैं कैरम। मैं दिखाती हूँ एक सेकेंड आपको, खेल लो तुम भी, बोर हो गए हैं। दिशु का चल रहा है डिनर, जो कि आप देख सकते हो डिनर में इसकी पूरी सॉस। और वैसे तो हर दिन हेल्दी खाना होता है बट आज इसने खाया नहीं है, सब्जी नहीं खा रही, तो मैंने कहा कोई नहीं चने खा लो। और ये आप देख सकते हो क्योंकि सब्जी जब तक बनेगी जब तक ये सो ही जाएगी। वैसे मुझे आज आलू के पराठे फिर से बनाने हैं तो इसीलिए। और डुगो क्या कर रहे हो? डुगो यहाँ पर खेल रहा है कैरम बोर्ड। और मैं अभी सब्जियों को थोड़ा सा लगा देती हूँ। आप देख सकते हो कि मैंने वेजिटेबल्स बास्केट में भर दी है सब्जियां। और सबसे पहले मैंने नीचे अनियन डाल दिया है क्योंकि अब गर्मी आ गई है तो अनियन का यूटिलाइजेशन थोड़ा ज्यादा होने वाला है। और गार्लिक भी खत्म है बट मेरे को ध्यान नहीं आया तो इसीलिए। और आलू मैंने रखी हुई है एक जगह पे, सो मैं वहां से लेकर आती हूँ। और ये मैंने टमाटर जो लेकर आए हैं मेरे हस्बैंड, तो इसको अब मैं वॉश करूंगी सबसे पहले। और वॉश करके मैं इसको फ्रिज में स्टोर करके रखूंगी। और क्योंकि मुझे आज बनानी है टमाटर की चटनी तो उसके लिए भी, और दूध तो गांव से आया है इसीलिए पका हुआ, तो गांव से पका हुआ रहता है। और हल्का सा मैंने एक बार बॉईल कर लिया है। ये आप देख सकते हो लेकर आए हुए हैं अदरक, मिर्ची और ये नींबू है और धनिया पत्ती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बस अब मैं इनको एडजस्ट कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो टमाटर वगैरह सब कुछ मैं अच्छे से एक बार क्लीन कर दूंगी पानी से। मैं क्या करती हूँ ना, कभी भी जब सब्जियाँ आती ना तो मैं उसी टाइम एक बार धो के फिर फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि ना ऐसे फ्रिज भी गंदा हो जाता है और वाइट रहता है, दाग लग जाता है ना, फिर ये धीरे धीरे जमता रहता है और छूट नहीं पाता। और ये आप देख सकते हो ब्लैक से कटोरी में दिख रहे हैं, वो आम है, छील के रखा था पानी में डाल के चटनी बनाने के लिए, तो बस ये रखे ही रह गए तो काले पड़ गए हैं। अब देखती हूँ अगर ये ठीक रहे तो मैं इसको चटनी इसकी बना लूंगी, और नहीं ठीक रहेंगे तो फिर नहीं बनाऊंगी। और बस यहाँ पर मैंने आटा लगा के रख लिया है, वो बनाना है ना मेरे को, क्योंकि आलू के पराठे ही बनाने हैं, उसके लिए मैंने चटनी बनाई हुई है। और बस आटा मैंने लगा के रख लिया है, फटाफट मैं बैटर रेडी कर लेती हूँ। और टमाटर की मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, इस टाइप की चटनी मैं बनाती हूँ, काफ़ी अच्छी और टेस्टी बनती है, तो आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिए। इसकी पूरी फुल रेसिपी भी मैंने शेयर करी हुई है पिछले अपने वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाएँ और वीडियो को देखें।
और यहाँ पर फ्रेंड्स मेरी किचन वगैरह सब कुछ क्लीन हो गई है और डिनर की प्रिपरेशन हो गई है। और पहले मैंने बताया ही था आपको एक वीडियो में, किसी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि बच्चों को मैं पहले ही डिनर करा के सुला देती हूँ, क्योंकि ना वो लोग थोड़ा जल्दी सोते हैं और हम लोग थोड़ा सा लेट हो जाता है हम लोग को, क्योंकि जब तक मैं सारे काम निपटाती हूँ उसके बाद ही हम लोग डिनर करते हैं। सो डुग्गू को मैंने, क्योंकि सुबह से लेके हम शाम तक अपने अपने काम में बिजी रहते हैं, इसीलिए हम लोग साथ में नहीं खा पाते हैं। सो मैंने सोचा कि हम लोग को रात में इकट्ठा बैठ के ही डिनर करना चाहिए, अच्छा होता है। सो उसके लिए भी हम लोगों ने क्या किया है कि अभी हम शाम को साथ ही डिनर करते हैं और बस बच्चों को पहले खिला देते हैं, क्योंकि बच्चे ना हम लोगों का थोड़ा सा लेट हो जाता है, 11 बज जाते हैं। सो बच्चे इतनी लेट तक जग नहीं पाते, दोपहर को रेस्ट नहीं करते किसी टाइम भी, मॉर्निंग से उठने के बाद पूरे टाइम इनका चलता रहता है भाग दौड़। सो इसीलिए बच्चों को मैं पहले ही खिला पिला के और सुला देती हूं। तो फ्रेंड दिशु तो सो चुकी है, लेकिन ना डुगू अभी तक नहीं सोया है। इसकी ना आदत है कि किसी किस दिन तो ये जगता रहता है, किस किस दिन सो जाता है। आज ये क्या हुआ था, दोपहर को ये सो गया था, जिसकी वजह से ये अब इसको नींद ही नहीं आ रही है, तो इसीलिए बैठा है। वैसे तो मैंने एक बार खिला दिया है, बट अगर देखती हूँ मेरे साथ थोड़ा बहुत अगर हम लोग के साथ इसने खाया तो खा लेगा। और आज ये आप देख सकते हो, आज हमारे लंच में होने वाला है आलू का परांठा, चटनी सॉस और ये मिर्ची का अचार, और कभी कभी ऐसे रहता ना कुछ सिंपल सा। और बस अब ये फ्रेंड्स आप देख सकते हो मॉर्निंग का टाइम है और सुबह सुबह आज मुझे मेरा मन था कि मैं कढ़ी बनाऊं, सो उसके लिए ही मैं कढ़ी बना के और फिर मैं जाऊंगी, चावल फिर बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर कढ़ी बनाने के लिए आप देख सकते हो मैंने तेल गरम कर लिया है और मेथी नहीं मुझे मिल रहा था, सो मैंने धनिया और जीरे का तड़का लगा दिया है और कड़ी पत्ता थोड़ा सा डाल दूंगी। और बस इसके बाद जो भी मैंने शायद मेरे को देखती हूँ जिस चीज़ का भी बनाना है, जैसे मैं बैंगन की अगर बना रही हूँ कड़ी, तो मैं बैंगन थोड़ा सा डाल के हल्का सा मैं भूनूंगी पहले हींग डालने के बाद, और फिर मैं इसके बाद इसमें बेसन मैंने घोल के रखा हुआ है तो वो मैं उसको डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे बनाना है सैंडविच, मुझे नहीं मतलब मेरे हस्बैंड को बनाना था, क्योंकि नहीं बहुत टेस्टी सैंडविच बनाते हैं और मैंने सारा कुछ ऐसे प्रिपेयर करके रख दिया था। और क्योंकि मुझे थोड़ी सी जल्दी भी थी, मैं लेट हो रही थी, इधर मुझे कड़ी भी बनानी थी और ब्रेकफास्ट के लिए मुझे और भी चीज़ें, आज मेरे को उसका सॉरी सूजी का चिल्ला भी बनाना था, सो उसके लिए मुझे लेट हो रहा था, क्योंकि ऐसे था ना बच्चों को खाना था सैंडविच और कुछ लोगों को खाना था चिल्ला, और कड़ी तो दोपहर के खाने के लिए बनानी थी, सो एक साथ बहुत सारा काम हो गया था। सो मेरे हस्बैंड ने कहा तो मैं बना देता हूँ, वैसे भी ना सैंडविच बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं, तो इसीलिए कभी भी खानी होती बच्चों को तो बोलते हैं पापा आप ही बनाओ, बहुत टेस्टी आप बनाते हो। सो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि आज ऐसा हुआ है कि इन्होंने मेरी हेल्प कर दी है बनाने में, वरना सुबह तो मुझे बहुत ज़्यादा भागम भाग रहती है। और जब निधि थी तो थोड़े हेल्प कर देती थी, बट अब वो नंद मेरी चली गई हैं तो इसलिए मुझे ज़्यादा काम हो जाता है। एक मतलब थोड़ा सा ये रहता है ना, कोई रहता है तो हेल्प कर देता है, बट अभी तो नहीं है कोई, बट कोई नहीं किसी तरीके से हम मैनेज कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी सैंडविच बन रही है, और आ जाइए आप लोग भी खाइए और खा के बताइए कैसी बनी है, कैसे है सैंडविच, अच्छे हैं, मुझसे ज्यादा नहीं हटो। सो फ्रेंड्स ऐसा था कि मुझे ये चिल्ला बनाना था, सुबह सुबह मैंने सूजी भिगो के रख दी थी सोक होने के लिए, बट ना ऐसा हुआ कि ब्रेड वाला आया और रात को, क्योंकि मैंने आलू के पराठे बनाए हुए थे
तो उसकी उसका थोड़ा सा आलू बचा हुआ था और दिशु ने ब्रेड ले लिया। दिशु ने बोला नहीं मुझे तो सैंडविच ही खाना है। और आप बच्चों का तो जानते ही हैं, अगर उनका कुछ मन है तो फिर वो उन्हें खाना ही है। फिर मैंने भी कहा ठीक है चलो कोई नहीं, मैं तुम लोग के लिए बना देती हूँ, मैं अपने लिए चिल्ला बना लेती हूँ। और चिल्ला इतना ज्यादा मेरा फेवरेट है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे कोई भी चीज इतनी ज्यादा पसंद नहीं है जितना ये है, और बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी कभी ट्राई कीजिएगा, काफी टेस्टी बनता है। बाय। तो गाइज मैं स्कूल आ चुकी हूँ, ये आप देख सकते हैं। और आज मैंने हेयर वॉश किया है सो इसीलिए अभी बाल सूखे नहीं है, तो मैंने खोल रखा है। क्या हुआ, क्यों खड़ी हो? सो गाइज मेरे बाल सूखे नहीं थे जो कि मैंने खोल के रख दिया था, तो अब सूख चुके हैं। और बस बच्चों का एग्जाम है 11 बजे, 11 बजे से है, तो अभी बच्चे आए नहीं है, 11 बजे तक आएंगे। हम लोग का तो टीचर्स का टाइम होता है 10 बजे आने का, तो हम लोग आ चुके हैं। आप देख सकते हो जब तक बच्चे खेल रहे हैं, जो बच्चे जो वैन से आते हैं ना वो आ जाते हैं, तो इसीलिए वो पहले आ गए हैं, तो वो लोग खेल रही हैं। और बाकी अभी तक जो नहीं आए हैं वो अभी वेट कर रहे हैं थोड़ा सा आने का। और मेरे बालों का ना कलर जैसे मैंने पहले कराया था तो 1 ईयर कम्प्लीट हो गया है, तो अभी आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा कलर बचा है। अब मैं जब दिल्ली जाऊंगी ना तो शायद मैं वापस से कर लूंगी। तो फ्रेंड जैसे ही मैं स्कूल से आई तो मैंने देखा डोगो दिशु आप मस्ती कर रहे हैं, और आज इन्होंने बिल्कुल शादी वाले कपड़े पहने। क्या रहता ना जब मैं नहीं रहती और ये लोग घर पे रहते हैं, इनकी छुट्टी रहती है, तो ऐसे ही अपनी पसंद के कपड़े अपनी पसंद का खाना करते हैं। और बस अब मैं ब्लॉग का यहीं पर करूंगी एंड, और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, लव यू ऑल।